दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक एग्रार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट है और आप अपना अकाउंट डिटेल भूल चुके हैं तो कैसे अपना अकाउंट का जो भी कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर आप कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जरूरत पड़ता है जब भी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग यानी रजिस्टर करना चाहते हैं IPPB का, तो आपको जरूरत पड़ता है अकाउंट डिटेल कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर। तो आप भूल चुके हैं तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। आपने जो भी ईमेल दिया है, आपके ईमेल पर जो भी आपने सेलेक्ट किया है क्वार्टरली मंथ में और क्वार्टरली ईयरली जो भी आपने स्टेटमेंट सेलेक्ट किया है उसी हिसाब से आपके ईमेल आईडी पर ईमेल आता है। उसमें PDF पासवर्ड रहता है, PDF फाइल रहता है, उसको पासवर्ड लगा रहता है। तो उसको कैसे ओपन करना होगा, कैसे अपना अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर और ब्रांच कोड IFSC कोड बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए फिर इन वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं फुल प्रोसेस। चलिए तो दोस्तों आपको अपना जो भी है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि अपना ईमेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर किया है अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, तो उसको आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा और आपका जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी IPPB आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे IPPB यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं IPPB स्टेटमेंट आया हुआ है आपके पास। यहाँ इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो पासवर्ड के डिटेल आपको बताया गया है कि जो भी आपका पासवर्ड होता है आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपना जो आपका नाम का 4 लेटर और आपका जो मंथ और तारीख और लास्ट का ईयर जो है उसको डालना है। और यहाँ पर पासवर्ड ऐसे ही बनता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पासवर्ड यहाँ पर ऐसे ही बनेगा। तो आपको यहाँ पर स्लाइड ऊपर करते जाना है। यहाँ पर एक PDF फाइल शेयर किया गया है। आपको नहीं समझ में आता है तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड ऊपर करते जाइएगा, यहाँ पर आपको मिस कॉल रजिस्टर कर सकते हैं कि अपना जो मिस कॉल करके बैलेंस चेक कर सकते हैं। और इस नंबर पर नीचे वाले नंबर पर आप कॉल करके मिस कॉल करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। पहले आपको मिस कॉल एरर सर्विस को सर्विस एक्टिवेट करना होगा और यहाँ पर जो मिस कॉल नंबर है और यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट जो देखना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, आपको स्लाइड ऊपर करना होगा। अब यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर एक PDF फाइल भेजा गया है। PDF फाइल पर आपको क्लिक करना होगा अपना अकाउंट डिटेल कस्टमर आईडी डिटेल आप पता करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी है आपका 4 लेटर आपका नाम होगा, तो आपके नाम का 4 लेटर आपके होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं तारीख, और यहाँ पर देख सकते हैं तारीख डालना होगा। अब यहाँ पर फिर दोबारा सा आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है आखिरी का वो डालना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन है, ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके अकाउंट का डिटेल जो भी कस्टमर आईडी आपका होता है कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका डिटेल पूरा दिख जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर जो IFSC कोड सब डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना ईमेल चेक कीजिएगा, उसमें आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ई स्टेटमेंट आया हुआ है। तो उसको ओपन करके आप अपना अकाउंट डिटेल अपना कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर जो भी है आपको वहां पर पता कर लीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर आईडी अकाउंट नंबर आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय, थैंक यू।